आज का हमारा जो लेसन है वो एक्सरसाइज 2.2 को हमने सॉल्व करना सीखना है कि एक्सरसाइज जो है उसके जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, -8, -27 एंड 64। हम वन बाय वन तीनों चारों के कॉम्प्लेक्स कह दिया क्यूब रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। पहले फर्स्ट कर लिया लेट के एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। जैसे हमने पिछला जो इसका तारुफ था एक्सरसाइज का, इसके मुतालिक कुछ हमने चीज़ें इफेक्ट्स देखे थे, तो उसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किया था। तो उसमें लिखा था कि लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 1 और यूनिटी। तो यहाँ पर लिखा है लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर होगा -1 की पावर 1/3। अब दोनों तरफ का क्यूब लेने से क्या हो जाएगा, x का क्यूब बराबर हो जाएगा -1 के। -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x+1=0। अब 1 जो है इसे हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। जब हम इसे 1 का क्यूब लिख लेते हैं तो यह हमारे पास फार्मूला बन जाता है a³ + b³, और ये किसके बराबर होता है, a² - b² होता है। तो अब ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास x जो है वो +1 यहाँ पे हो जाएगा, x+1 × x² - 1 × x, यानी कि x+b² यानी कि 1। अब दो फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो तो दोनों में से एक लाजमी ज़ीरो होगा। दैट इज़ आइदर x+1 will be equal to 0 और x² - x+1 should be equal to 0। अगर तो x+1 ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब x किसके बराबर होगा, -1 के। और इसे हल करना पड़ेगा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू हमारे पास है 1, और ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा -(-1) यानी -b + -, यहाँ पे क्या होता है, b² यानी -1² -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1/2 a। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, -(-+) हो गया, +(-1)² + 1, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो -4/2। अब 1-4 जो है वो -3² होता है। हमने पिछले लेसन में भी सीखा था कि -3² बराबर होता है √3, यानी इसे हम लिख सकते हैं कैसे, -1 × 3² और आपको पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर है 1/2, और अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी एक ही पावर हो तो हर एक पे अलग अलग पार ली जा सकती है। तो हम इसे लिख सकते हैं -1² √3² जस्ट ऐसे, -1² √3² या √3। अब -1 का जो √3 है इसका हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये हमें पता है कि आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम आयोटा पुट कर देते हैं, 1+-iota √3/2। तो एक रूट हमारे पास आया था -1, दूसरा दो रूट ये हैं। अब अगर इनमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, 1+ था माइनस हो गया, और ये जाहिर सी बात है प्लस माइनस ही रहेगा, iota √3/2।
टू, ये मैंने सारा इस माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि इसे भी मैं ओमेगा की शक्ल में लिख सकूं, क्योंकि मैंने वन माइनस वन प्लस योटा अंडर रूट थ्री बाई टू को लिखा था ओमेगा, तो मेरे पास माइनस वन माइनस योटा अंडर रूट थ्री बाई टू क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लिखने के लिए इसे ऐसे लिखा है। तो अब हमारे पास जो माइनस वन के तीन रूट आए हैं, माइनस वन के तीन क्यूब रूट जो आए हैं वो माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब हम एट के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह लेट करेंगे कि एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ एट, देन एक्स इज इक्वल टू एट रेज टू वन बाय थ्री, दोनों तरफ का क्यूब लिया तो एक्स क्यूब बराबर आ गया हमारे पास एट के। एट को जिस तरफ ले जाएंगे तो एक्स क्यूब किसके बराबर, एक्स क्यूब माइनस एट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। एट को हम लिख सकते हैं टू का क्यूब, एट को क्या लिख सकते हैं टू का क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब इक्वल्स टू जीरो। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा तो क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब दोनों में से एक लाजमी जीरो है, या ये जीरो या ये दूसरे वाला जीरो, या दोनों जीरो। तो आइदर x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। जैसी सी बात है, इसे तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा टू के, लेकिन यहाँ पे x बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू है। ए इसमें वन है, बी हमारे पास प्लस का टू है और सी हमारे पास प्लस का फोर है। ये वैल्यूज हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये सूरत हाल बन जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू ए। इसे फर्दर सॉल्व किया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, फोर फोर जार सिक्सटीन हो गया, फोर माइनस सिक्सटीन क्या होता है, माइनस का ट्वेल्व होता है। माइनस के ट्वेल्व को भी हम माइनस वन इंटू ट्वेल्व लिख देते हैं। अब पावर इनकी वन बाई टू है, हर एक पे अलग अलग लिख आ गई, और ट्वेल्व को मैं लिख दूंगा फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री, फोर का स्क्वायर रूट जो होता है वो टू होता है, तो ये आ जाएगा टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। और माइनस वन का स्क्वायर रूट हमें पता है किसके बराबर होता है, ये अयोटा के बराबर होता है, अयोटा इंटू टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। अब थ्रू आउट क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आने के बाद क्या हो गया हमारे पास, माइनस वन प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट थ्री बाय टू। तो इसका मतलब एक तो जो क्यूब रूट आया था हमारे पास पहला वो था टू, दूसरा क्या है टू इंटू दिस, और तीसरा आया टू इंटू माइनस वन माइनस योटा अंडर रूट थ्री बाई टू। इसका हमें पता है कि ये क्या होता है, ये ओमेगा होता है, और ये फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एट के तीन क्यूब रूट्स क्या है, टू टू ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ट्वेंटी सेवन के हमने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन, दैट इज एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन रेज टू वन बाय थ्री, जस्ट लाइक दिस। नाउ वी हैव टू टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, सो एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन, वी टेक माइनस ट्वेंटी सेवन टू द अदर साइड एंड वी शैल गेट एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन विल बी इक्वल टू जीरो। वी कैन ऑल्सो राइट ट्वेंटी सेवन एज थ्री क्यूब, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन होता है, दैट्स वाई मैंने 27 को क्या लिख दिया, 3 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब इक्वल्स टू जीरो। यू कैन सी इट इज द फॉर्मेट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फार्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो फार्मूला लगाया हमने ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट फिर जीरो है, तो इसका मतलब दोनों में से एक लाजमी जीरो होगा, या एक्स प्लस थ्री जीरो होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन जीरो होगा। अगर तो ये जीरो है तो इसका मतलब एक्स बराबर आ जाएगा माइनस थ्री के, और अगर ये बराबर जीरो है तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, वन है, बी हमारे पास माइनस थ्री है, और सी हमारे पास है नाइन। इनकी वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दी हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू नाइन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन,
तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर भी प्लस नाइन होता है, और नाइन फोर सा 36 होता है। नाइन माइनस 36 करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब माइनस 27 को मैं उसी तरह माइनस वन इंटू 27 लिख दूंगा। माइनस वन पे अलग स्केयर रूट और 27 पे अलग स्केयर रूट, लेकिन 27 को मैं 9 थ्री जा 27 है तो 9 इंटू 3 लिख दूंगा। अब ये तो हो गया एटा, और ये 9 का स्केयर रूट जो है वो 3 हो जाएगा, इंटू 3 बाकी रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। अब इन दोनों में से 3 कॉमन है, अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास वही फॉर्मेट बन जाएगा, अंदर फिर ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्केयर दोनों बन जाएंगे। तो इसलिए माइनस 27 के 3 रूट्स कौन कौन से हुए, माइनस थ्री ओमेगा और माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, माइनस थ्री ओमेगा और माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर। अब हमने 64 के जो हैं क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसी तरह लेट कर लिया कि x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, इट मींस x विल बी इक्वल टू 64 रेज टू 1/3। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स वी हैव x क्यूब इज इक्वल टू 64, और x क्यूब माइनस 64 विल बी इक्वल टू 0। एज वी नो दैट 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, सो वी कैन राइट 64 एज 4 क्यूब, एंड वी हैव x क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल्स टू 0। Now we have the format of a cube minus b cube, so we shall apply the formula a cube minus b cube equals to a minus b into a squared plus ab plus b squared. A minus b a squared plus ab plus b squared. अब दो factors का multiplication zero है, तो इसका मतलब दोनों में से एक लाज भी zero होगा, तो either x minus 4 is equal to 0 or x square plus 4x plus 16 equals to 0. अगर तो ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, x will be equal to 4, और अगर ये 0 है तो ये जाहिर सी बात है फैक्टराइज नहीं हो रहा, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 4, c हमारे पास है 16, तो ये माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 4 का 64, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, माइनस 48। उसी तरह माइनस 48 को माइनस 1 इंटू 48 लिख देंगे, और 48 को फिर क्या लिखेंगे, 16 फॉर द 48, सॉरी 16 3 इज़ 48, और 16 जो है इसका स्क्वायर रूट हमें पता है 4 आ जाएगा और बाकी 3 रह जाएगा। तो ये आ गया माइनस 4 प्लस माइनस से होटा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, अंदर रह गया माइनस 1 प्लस माइनस से होटा अंडर रूट 3 बाई 2। ये आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों रूट क्या हैं, ओमेगा और दोनों फैक्टर्स क्या हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ 64 क्या है, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 7। अब हमने पुराना जो फैक्ट्स जो है फाइंड आउट किए हैं, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, उन्हें हमने अप्लाई करना है, यानी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। याद करें पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम, किसी भी दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम तीसरे के माइनस के बराबर होता है। तीनों क्यूब रूट्स कौन से थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस 1 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस 1 के। वैसे 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा के। तो मैंने
क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, क्या माइनस वन। अब माइनस इंटू माइनस वन बराबर होता है प्लस वन के, तो ये वन प्लस वन रेज टू सेवन आ गया, टू रेज टू सेवन जो होता है वो होता है आपके पास 128। तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू सेवन किसके बराबर आ गया, 128। अब हमने एवेल्यूएट करना है किसे, वन माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर रेज टू फाइव को। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से माइनस थ्री कॉमन ले लूंगा, ऐसे अंदर फिर वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं उनका सम जो होता है वो तीसरे के एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है। तीसरा हमारे पास है वन, वन का एडिटिव इनवर्स माइनस वन, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वन का एडिटिव इनवर्स यानी माइनस वन, वैल्यू पुट की। अब माइनस वन इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, वन प्लस थ्री क्या होगा, फोर, फोर रेज टू फाइव, फोर रेज टू फाइव होता है 102, फोर दैट इज फोर को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1024. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट है, नाइन प्लस फोर ओमेगा प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर सारे का क्यूब। अब ये भी साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों में से फोर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। और ये दो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका सम बराबर होगा तीसरे के एडिटिव इनवर्स के यानी माइनस वन के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी बराबर है माइनस वन के, इसकी वैल्यू पुट कर दी, फोर इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस का फोर, नाइन माइनस फोर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइव क्यूब बराबर आ गया 125। फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं, टू प्लस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये है कि हल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये होती है होगी कि इन दोनों में से मैं टू कॉमन ले लूँ अंदर आ जाएगा वन प्लस ओमेगा, और इसमें से थ्री कॉमन ले लूँ अंदर आ जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इन दोनों से टू कॉमन ले लिया अंदर आ गया वन प्लस ओमेगा, इन दोनों में से थ्री कॉमन ले लिया अंदर आ गया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस थ्री ओमेगा वैसे का वैसे आ गया सर। अब उसी फैक्ट को जरा ध्यान में लाएं कि किसी भी दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम जो है वो तीसरे के एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है। वन प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और वन प्लस ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी तीसरे के एडिटिव इनवर्स के। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर एडिटिव इनवर्स ऑफ द थर्ड दैट इज माइनस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ द थर्ड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वन प्लस ओमेगा एंड वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वी हैव टू इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू टू इंटू ओमेगा स्क्वायर थ्री इंटू माइनस ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा। अब इन्हें मजीद सॉल्व कर लें तो माइनस टू जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गए माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, ये मल्टीप्लाई हो गए माइनस थ्री ओमेगा, और ये माइनस थ्री ओमेगा वैसे ही। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें माइनस थ्री ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा माइनस सिक्स ओमेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स प्लस का 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी वन, तो ये 24 इंटू वन क्या आ जाएगा हमारे पास 24। तो ये आ गई हमारे पास 2 प्लस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगला पार्ट देखते हैं क्या है, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री होल रेज टू सिक्स प्लस माइनस वन माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और सारे की पावर सिक्स। अब मैंने क्या किया है,
इस रकम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, वो इसलिए ताकि ये मेरे पास क्या बन जाए, ओमेगा। इसी तरह इसे भी मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो अंदर वाली रकम है ये मेरे पास फिर क्या बन जाएगी, अगर पहले वाली को मैं ओमेगा कह दूंगा तो ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर। इनकी मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, लेट माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, सॉरी इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा, देन दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू ओमेगा रेज टू सिक्स, टू ओमेगा रेज टू सिक्स, और ये बन जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर रेज टू सिक्स। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर इकट्ठी है तो हर एक पे अलग अलग पावर ऐसे आ जाएगी। टू रेज टू सिक्स ओमेगा रेज टू सिक्स प्लस टू रेज टू सिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर रेज टू सिक्स। अब ओमेगा रेज टू सिक्स को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू ट्वेल्व। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है, वन, इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब रेज टू फोर। ओमेगा क्यूब रेज टू फोर, अब ओमेगा क्यूब फिर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे यहाँ पे वन, तो हमारे पास ये आ जाएगा टू रेज टू सिक्स प्लस टू रेज टू सिक्स इंटू वन रेज टू फोर। वन रेज टू फोर या वन रेज टू टू या वन रेज टू कोई भी पावर ले लें तो आंसर क्या होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा टू रेज टू सिक्स प्लस टू रेज टू सिक्स, ये हो जाएगा टू इंटू टू रेज टू सिक्स, और इसे हम लिख सकते हैं टू रेज टू सेवन, तो ये हो जाएगा 128। इसे आप यूँ भी कर सकते थे, टू रेज टू सिक्स इज इक्वल टू 64, टू रेज टू सिक्स इज इक्वल टू 64, 64 प्लस 64 इक्वल्स टू 128। जो तरीका आपको आसान लगे उसे अडॉप्ट कर लीजिए, वैसे बेहतर यही है कि दोनों तरह से ही आपको समझ आ जानी चाहिए और जैसे आप चाहें उसे सॉल्व कर सकें। मैथ्स जो है किसी लगे बंधे तरीके का नाम नहीं है, जो आपके जहन में मेथड हो वो मैथ्स का, उसे आप अप्लाई करके आंसर तक पहुंचना आपको आता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला पार्ट जो है वो सिक्स पार्ट, ये ज़्यादा इजी उसने पहले ही दे दिया। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, ओमेगा है, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। इनकी वैल्यूज पुट कर दिया, लेट दिस इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा, और ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज टू नाइन प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू नाइन, ये ओमेगा रेज टू 18, ये ओमेगा रेज टू 9। ओमेगा रेज टू 9 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल क्यूब, ओमेगा क्यूब होल क्यूब, सॉरी ये गलती से 2 लिखा गया, ये होल क्यूब होना चाहिए। ओमेगा रेज टू 18 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज टू 6, क्योंकि पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 6 3 18 और 3 3 9 होता है। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 की 1 रेज टू 6। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 रेज टू 6 क्या होगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। एग्जैक्टली समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन, ओमेगा रेस टू 37 प्लस ओमेगा रेस टू 38 माइनस 5। ओमेगा रेस टू 37, अब हम क्या करेंगे, इस 37 के दो ऐसे पार्ट बनाएंगे जिनमें से एक 3 का मल्टीपल हो, इसी तरह 38 के भी दो ऐसे पार्ट बनाएंगे जिसमें से एक पार्ट 3 का मल्टीपल हो, और होने भी करीब तरीन चाहिए। जैसे 37 में से मैं 36 कह लूँ तो 36 3 का क्या है, मल्टीपल है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 12 थ्री ज़ा 36 लिख सकते हैं। इसी तरह 38 को भी 36 प्लस 2 लिखा जा सकता है ऐसे। अब ओमेगा रेज टू 36 प्लस 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू 36 इंटू ओमेगा, और इसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर ऐसे।
अब ओमेगा रेज टू 36 को दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब रेज टू 12, ओमेगा क्यूब रेज टू 12, और ये भी ओमेगा क्यूब रेज टू 12 है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 है, 1 रेज टू 12 क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमारे पास सिंपल फैक्टर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, और हमें पता है कि किसी भी दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम तीसरे के एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है। तीसरा रूट हमारे पास 1 है, उसका एडिटिव इनवर्स माइनस 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्या हुआ, माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 6। अगले पार्ट की तरफ आते हैं, ओमेगा रेज टू माइनस 13 इंटू ओमेगा रेज टू 17, इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू 15 माइनस का प्लस 2, और इसे लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू माइनस 18 प्लस 1 ऐसे, क्योंकि माइनस 15 प्लस 2 भी 13 होता है, माइनस 18 प्लस 1 17 होता है। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू माइनस 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ ओमेगा रेज टू माइनस 18 इंटू ओमेगा। ओमेगा रेज टू 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब रेज टू माइनस 5, और ओमेगा रेज टू माइनस 18 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब रेज टू माइनस 6। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 रेज टू माइनस 5, 1 रेज टू माइनस 6, 1 की जो मर्जी पावर लिख दें आंसर 1 ही होता है। तो आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है उसका आंसर क्या होता है, ये दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम तीसरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एडिटिव इनवर्स के बराबर। तो क्या होगा आंसर, डेफिनेटली आपने सही गैस किया, माइनस होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो लिहाजा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हुआ माइनस 1, यानी ओमेगा रेज टू माइनस 13 प्लस ओमेगा रेज टू माइनस 17 की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, माइनस 1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये पहला क्वेश्चन जो है ये खत्म हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 8 पार्ट्स किए थे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम आसानी के लिए ये करते हैं कि ये वाली साइड जो है ना, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट पे आना इसलिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सॉल्व कर, राइट हैंड साइड बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से, आंसर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आंसर आ गया। ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स वाई आंसर आ गया, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, वो यहाँ पुट कर देंगे हम, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, उसकी वैल्यू पुट कर। अब हमें बताया कि ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या है, दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उनका सम जो है वो तीसरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है। तो ये माइनस 1, तीसरा जो है 1 होता है ना क्यूब रूट, तो वो माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 के बराबर होता है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है। इसे हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। हम राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा सी। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। x को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। x को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया। x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स सी आ गया। फिर ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स वाई आ गया। फिर ओमेगा y को हमने ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा y को z ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर वाई z आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर जी जो है इसे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी आ गया। और फिर क्या किया हमने, ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा रेस टू फोर वाई जी हो गया। ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे भी वन पुट कर देते हैं और यहाँ पे भी वन पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और ओमेगा एक्स वाई में से क्या कॉमन लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब हमारे पास एक्स जी में एक ये रकम है ये वाली, और एक्स जी में एक ये वाली रकम है, इन दोनों में से एक्स जी कॉमन आ गया तो अंदर रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी रह गई वाई जी वाली रकम है ये और ये, इन दोनों में से वाई जी कॉमन ले लिया, इधर रह गया वाई ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा रेस टू फोर, उसे मैंने लिख दिया ओमेगा इंटू ओमेगा। याद रखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस वन पुट कर दिया, इसकी वैल्यू भी अब माइनस वन पुट कर देते हैं तो ये सूरत हाल हमारे पास बन जाएगी ये वाली। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा और ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी। और अगर इसे तरतीब चेंज करके लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ठीक है। तो अब ये वही ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ये वाला फार्मूला यूटिलाइज किया तो हमारे पास ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू फोर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू एट। ओमेगा की पावर जो है ना यहाँ पे वन है, बाकी क्या है टू के मल्टीपल्स या टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट, इस तरह से डबल होती जा रही है। अब हमें ये साबित करना है कि ये साइड जो है ये इन सब का प्रोडक्ट वन के बराबर है। हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड नहीं ली बल्कि ये क्या ली है, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी। ये है हमारे पास वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू फोर इंटू वन प्लस ओमेगा रेस टू एट सो ऑन अप टू टू एन फैक्टर्स। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इतना दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना देता हूँ, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना देता हूँ, इस तरह जितने आगे फैक्टर्स हैं उनको दो दो को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ ऐसे।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब। इसी तरह ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 प्लस ओमेगा रेज टू 8 प्लस ओमेगा रेज टू 12 एंड सो ऑन। इस तरह पहले 2n फैक्टर्स थे, तो अब दो दो फैक्टर्स का मैंने फिर एक एक फैक्टर बना दिया है, तो फैक्टर्स कितने रह गए, आधे, यानी 2n के आधे क्या हो गए, n फैक्टर्स बाकी रह गए। इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है n फैक्टर्स, क्या लिख दिया है, n फैक्टर्स। अब इसे भी मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ओमेगा रेज टू 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा रेज टू 8 क्या होता है, ओमेगा रेज टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 12, ओमेगा रेज टू 12 बराबर होगा ओमेगा क्यूब होल रेज टू 4, ओमेगा क्यूब होल रेज टू 4, ऐसे ठीक है। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ओमेगा क्यूब की जगह हमने पुट कर दिया 1। तो अब सारे फैक्टर इस किस्म के बन जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इस तरह के कितने फैक्टर बन जाएंगे, n फैक्टर्स। अब क्या करते हैं हम, हमें पता है सम ऑफ ऑल दी थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर होता है 0 के, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, और हमें यह भी पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर होता है 1 के। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी 0 पुट कर देंगे, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट क्या करेंगे, 3, या सॉरी 1, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, एन फैक्टर, जीरो प्लस वन को मल्टीप्लाई किया तो वन हो जाएगा, यानी एन टाइम्स वन को मल्टीप्लाई करना है, वन को एन टाइम मल्टीप्लाई करना है, वन को जितनी दफ़ा मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वन रेज टू जो मर्जी ले लें, आंसर क्या आता है, वन होता है। वन रेज टू टू यानी वन का स्केयर वन होता है, वन का क्यूब वन होता है, वन की पावर फोर ले लें तो भी वन होता है, तो वन को एन टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब वन रेज टू एन ले लें तो भी आंसर क्या आना है, वन ही आना है। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये मैंने गलत लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है बल्कि ये राइट हैंड साइड। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड Right. तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो वीडियो में नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स वाला एक सेक्शन है, कमेंट कीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आती वो कोशिश करेंगे इस पर नई वीडियो बना दें, या आपको उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके शेयर कर दिया जाए ताकि आपको आसानी हो समझने में। आपको इस लेसन के तमाम हैंडआउट्स जो हैं इस वेबसाइट से मिल जाएंगे, ये है www.fgbhavnagar.com। तो इसमें आगे टैब होगा क्लास 10 के नोट्स का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछले नोट्स भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।